अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट क्या है और इसी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल आते हैं उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट्स जो है ईटा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं व्हाट इज़ लिमिट एंड एक्सेस रिएजेंट। तो इसको पहले देखें, हमारे पास लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट ये एक टॉपिक है, लेकिन ये टर्म जो हम यूज़ करते हैं रिएजेंट, इसका मतलब क्या है? रिएजेंट इज एक्चुअली ए केमिकल स्पीशी। ए केमिकल स्पीशी मे बी एटम, मे बी मालिक्यूल एंड एट मे बी आयन विच दे टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट रिएजेंट। ओ एटम, ओ आयन, ओ मालिक्यूल जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं। सो रिएजेंट इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट एंड एट इज ए थ्योरेटिकल नेम। ये हम जब एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं कागज पे, बोर्ड पे, तो उसके लिए फिर हम रिएक्टेंट टर्म यूज करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कोई वर्क करते हैं लेबॉरेटरी में या इंडस्ट्री में तो हम फिर टर्म यूज करते हैं रिएजेंट। सपोज रिएजेंट ऑफ H2SO4 रिएजेंट, HNO3 रिएजेंट, रिएजेंट बॉटल, ठीक है, इस तरह ये टर्म हम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ ए प्रैक्टिकल टर्म यूज इन लैब एंड यूज इन इंडस्ट्रीज। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? एज नेम इंडिकेट लिमिटिंग, लिमिटिंग मीन स्मॉलर क्वांटिटी। एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? लिमिटिंग। सो इट इज डिफाइंड एज द रिएजेंट विच एग्जिस्ट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। The reagent which consume earlier in a chemical reaction, the reagent which consume earlier in a chemical reaction is called what? Is called limiting reagent. Earlier in a chemical reaction का मतलब ये है कि हम जब दो reagent लेते हैं जिसमें एक reagent reaction में सबसे पहले यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इसके बाद द रिएजेंट विच नॉट लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के एंड पे बचता नहीं है, जो ख़त्म हो जाता है और बचता नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एंड द रिएजेंट विच प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो कम से कम मकदार में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। एंड द रिएजेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो रिएजेंट जो क्या करता है? जितना प्रोडक्ट बनता है उसी को कंट्रोल करता है। प्रोडक्ट बनने का मतलब ये होता है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कंज्यूम हो जाता है, फिर दूसरे रिएजेंट के लिए ये लिमिटिंग रिएजेंट जो है अवेलेबल नहीं होता तो रिएक्शन क्या हो जाता है? उधर स्टॉप होता है। तो जैसे लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म होता है उसी टाइम रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सो इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जितना प्रोडक्ट बनता है वो किसके कंट्रोल में होता है? वो लिमिटिंग रिएजेंट के कंट्रोल में होता है। तो इसको फिर हम आगे एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। पहले आप सबसे पहले जो है ये सारे इसके डिफिनेशंस है ये सारे आप देखें। एक्सेस रिएजेंट क्या है? व्हाट इज मीन बाय एक्सेस रिएजेंट? एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस मीन एनीथिंग इन लार्जर क्वांटिटी, एनीथिंग इन लार्जर क्वांटिटी, ज्यादा मकदार में पाया जाता हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस कहते हैं, ठीक है। सो द रिएजेंट विच एग्जिस्ट इन लार्जर क्वांटिटी, और रिएजेंट जो ज्यादा मकदार में पाया जाता हो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। या द रिएजेंट विच नॉट कंज्यूम अर्लियर इन ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएजेंट जो केमिकल रिएक्शन में पहले ख़त्म नहीं होता, बाद में भी एग्जिस्ट करता है और ख़त्म नहीं होता, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। द रिएजेंट विच लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, द रिएजेंट विच लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के एंड पे बाकी बच जाता है उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। इसी तरह द रिएजेंट विच प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो ज़्यादा मकदार में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसी रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। एंड लास्ट द रिएजेंट विच नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और वो रिएजेंट जो प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता, प्रोडक्ट कितना बनता है इट नॉट डिपेंड ऑन द एक्सेस रिएजेंट, प्रोडक्ट कितना बनता है इट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो रिएक्शन अगर कंप्लीट भी हो जाए तो फिर भी हमारे पास एक्सेस रिएजेंट जो है बाकी बच जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट। अब जो पॉइंट हम आते हैं एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट, वो ये है ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैव नो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट।
अगर एक इक्वेशन बैलेंस है तो उसी के अंदर कोई लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। मीन लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट का कंसेप्ट जो है इट इज नॉट स्टडीड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये पॉइंट पॉइंट है। किस तरह? लाइक वी से दैट एन टू प्लस थ्री इज टू गोज टू टू एन एच थ्री। ये हमारे पास रिएक्शन है, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस टू मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन मैंने दिया है ये बैलेंस है। बैलेंस इस तरह है, लेफ्ट साइड पे दो नाइट्रोजन छह हाइड्रोजन, राइट साइड पे दो नाइट्रोजन छह हाइड्रोजन, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह लिमिटिंग और एक्सेस नहीं है। तो देखो वन मोल के साथ थ्री मोल रिएक्ट करते हैं, टू मोल अमोनिया प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। इस तरह वन अवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद थ्री अवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू अवोगैड्रो नंबर ऑफ अमोनिया। सिमिलरली 22.414 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी रिएक्ट विद थ्री मल्टीप्लाई बाय 22.414 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस टू मल्टीप्लाई बाय 22.414 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। अब आप देखिए दोनों रिएक्टेंट जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे को कंप्लीटली कंज्यूम करते हैं, और कंजम्पशन के बाद जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है उतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे को कंप्लीटली कंज्यूम कर रहे हो तो न कोई रिएक्टेंट बाकी बचेगा, न कोई रिएक्टेंट जो है पहले कंज्यूम होगा, ना जो है क्या होगा, ना जो है किसी प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा। बल्कि दोनों रिएक्टेंट अगर एक दूसरे को कंप्लीटली कंज्यूम कर रहे तो इसका मतलब यह है कि कोई भी रिएक्टेंट जो है इसमें लिमिटिंग और एक्सेस नहीं है, इसलिए कि इस लेफ्ट साइड पे जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे बनता है। तो सिंपल है कि ये इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन जो लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास और लाभ कंजर्वेशन या लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास, लाभ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, लाभ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स एंड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन को जो बे कर रहा हो, ऐसी इक्वेशन में क्या होगा, लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा, लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये पॉइंट मैंने लिखा है कि एज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोथ रिएजेंट कंज्यूम ईच अदर। जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है तो दोनों रिएजेंट एक दूसरे को कंप्लीटली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। अब ये पॉइंट तो हो गया, तो आगे आते हैं दूसरा। इसी के साथ में सपोर्टिंग में एक और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, वो ये है कि सपोज अगर MCQs इस तरह हो कि आपको एक रिएजेंट मास में दिया गया हो, दूसरा रिएजेंट मोल में दिया गया हो, एक रिएजेंट वॉल्यूम में दिया गया हो, दूसरा रिएजेंट जो है नंबर ऑफ पार्टिकल में दिया गया हो, एक रिएजेंट मास में दिया गया हो, दूसरा रिएजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल में दिया गया हो, एक रिएजेंट मोल में दिया गया हो, दूसरा रिएजेंट जो है वॉल्यूम में दिया गया हो, तो फिर आप लिमिटिंग और एक्सेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल, अगर वो स्टैंडर्ड पे है जिस तरह इधर हमने डिस्कस किया, देखिए वापस मैं वापस इधर आता हूँ। ठीक है, आप जरा इधर देखिए, हमारे पास 28 ग्राम, देखिए वन मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 ग्राम, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वन अवोगैड्रो नंबर, वन मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 22.44। देखिए ये जो साइड है वन मोल 28 ग्राम वन इन ए 22.44 डीएम क्यूब, ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। इसी तरह 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 3 अवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 22.44 डीएम क्यूब, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर इसमें आपको कोई भी रेशो मोल को ग्राम के साथ, मोल को अवोगैड्रो नंबर के साथ, मोल को वॉल्यूम के साथ, या ग्राम को मोल के साथ, ग्राम को अवोगैड्रो नंबर के साथ, ग्राम को वॉल्यूम के साथ, कोई भी रेशो आपको दिया जाए, लेकिन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड रेशो है, ये बैलेंस रेशो है, अगर ये आपको गिवन है तो फिर भी कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। तो इधर वापस आ जाए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, या 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, या वन अवोगैड्रो नंबर जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 22.44 डीएम क्यूब एट एसटीपी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, या 22.44 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी रिएक्ट कर रहा है 3 अवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो फिर भी देयर विल बी नो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, इसी में भी कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। समझ आ रही है इस पॉइंट की? तो ये इसलिए है के रेशो कोई भी दी जाए, आपने बैलेंस इक्वेशन को देखना है, बैलेंस इक्वेशन में स्टैंडर्ड रेशो क्या है। ठीक हो गया। अच्छा,
अब हम आते हैं कि लिमिटिंग और रिएजेंट हम कौन सी केमिकल रिएक्शन में स्टडी करते हैं। सो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट एग्जिस्ट इन अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस्ड, आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन है, एक आपको अनबैलेंस डेटा दिया गया है, उसी अनबैलेंस डेटा के अंदर जो है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट जो है क्या हो सकता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं जब भी हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को फाइंड करते हैं तो उसके लिए जरूरी है यू मस्ट हैव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो फिर आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। जब आप कंपेरिजन नहीं कर सकते देन यू कैन नॉट फाइंड आउट आर डिटरमिन द लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। सो मैं एग्जांपल इधर कुछ और पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर कुछ एमसीक्यूज की स्टेटमेंट आ जाए, सपोज 2 moles ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 5 mole ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया। 2 mole ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 5 mole ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट। देखिए ये आपको एक अनबैलेंस डेटा दिया गया है कि 2 mole नाइट्रोजन 5 mole हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते से अमोनिया बनता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इससे पहले हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा है और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका भी मैंने बताया है, तो आप इसी स्टेटमेंट से इक्वेशन निकालेंगे। और कौन से इक्वेशन निकालेंगे, ऐसे इक्वेशन निकालेंगे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को बैक कर रहा हो, मीन बैलेंस इक्वेशन हो। देन फिर आप डेटा के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर आपके पास आंसर आएगा कि कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है। तो देखो मैं इक्वेशन बनाता हूं, N2+3H2 goes to 2NH3। ये एक बैलेंस इक्वेशन इसलिए कि लेफ्ट साइड पे 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, राइट साइड पे 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन मौजूद है, बैलेंस है। सो बैलेंस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि 1 mole ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 mole ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस 2 mole ऑफ अमोनिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। अब जो हमारे पास डेटा है, डेटा में दिया गया है कि 2 mole जब हम 5 के साथ रिएक्ट करते हैं तो डेफिनेटली अगर 1 mole नाइट्रोजन को 3 mole हाइड्रोजन चाहिए देन 2 mole विल रिक्वायर्ड हाउ मच, 6, और आपको दिया गया है 5 mole, मीन 2 mole जो है 2 mole के लिए कितना चाहिए, 6 mole ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और आपको गिवन कितना है 5 mole। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन दिया गया है इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेस रिएजेंट, ये ज्यादा मकदार में एग्जिस्ट कर रहा है। और हाइड्रोजन जो है 6 के बजाय 5 दिया गया है, 6 mole के बजाय जो है आपको 5 गिवन है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये एक शॉर्टकट पॉइंट मैंने इधर मैं लिखूंगा इधर नीचे भी इसके साथ है कि आपने क्या करना है, एक बैलेंस इक्वेशन को उठा के उसी के साथ आपने अननोन डेटा को कंपेयर करना है और इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इस रिएजेंट को बैलेंस इक्वेशन में फर्स्ट रिएजेंट को सेकंड रिएजेंट की इतनी मोल या इतनी अमाउंट चाहिए। सो अनबैलेंस डेटा से फिर आप कंपैरिजन करेंगे और आप लिमिटिंग और एक्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एमसीक्यूज के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है और उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो और तब जो है, तो इसके लिए मैंने जो है कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो पॉइंट्स आप फॉलो करें। देखिए इफ अगर आपको जो है स्टेटमेंट इस तरह दी जाए, देखिए स्टेटमेंट इक्वेशन तो बैलेंस इक्वेशन नहीं, स्टेटमेंट जब आपको दिया जाए, इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स, इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स देन लिमिटिंग रिएजेंट विल बी वन हैविंग ग्रेटर मोलर कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन। अगर आपको इस तरह डेटा दिया जाए मोल्स या वॉल्यूम का जिसमें क्या हो, जिसमें दोनों का वॉल्यूम या दोनों के मोल्स क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तो फिर आप बैलेंस इक्वेशन को देखेंगे। बैलेंस इक्वेशन में जिस रिएजेंट के जो है नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, तो वो क्या होगा, लिमिटिंग होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सेस होगा। एग्जांपल है N2+3H2 goes to 2NH3। ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है और ये एक बैलेंस इक्वेशन है। अब मुझे जो डेटा दिया गया है, एक एमसीक्यूज है कि 200 ml रिएक्ट विद 200 ml ऑफ 200 ml ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 200 ml ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट विल बी लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। या सिंपल अल्फाज में इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर इट विल प्रोड्यूस अमोनिया, व्हाट विल बी लिमिटिंग एंड व्हाट विल बी एक्सेस रिएजेंट। सो इधर क्या करना है, इधर आपने बैलेंस इक्वेशन को देखना है। हम कहते हैं कि M2 के साथ 3 mole चाहिए, मीन 1 mole के लिए 3 mole चाहिए, तो 100 ml के लिए 300 ml चाहिए, 200 ml के लिए 600 ml चाहिए। तो अगर आपको इक्वल वॉल्यूम दिया गया हो तो इस स्टेटमेंट को देखे, इफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट देन लिमिटिंग रिएजेंट विल बी वन हैविंग ग्रेटर मोलर कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन, जिसका बैलेंस इक्वेशन में मोलर कोएफिशिएंट ज्यादा हो। तो इधर मोलर कोएफिशिएंट किसके ज्यादा है, इधर मोलर कोएफिशिएंट हमारे पास जो है किसके, हाइड्रोजन है,
ठीक है। तो अगर हम इक्वल वॉल्यूम स्टेटमेंट से हम इक्वल वॉल्यूम रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जिसका मोलर कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगा लिमिटिंग होगा, और दूसरा क्या होगा रिएक्ट होगा एक्सेस होगा। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड एन टू एस एक्स रिएजेंट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, इस डेटा के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। इफ नेक्स्ट पॉइंट है, इफ इक्वल मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट देन लिमिटिंग रिएजेंट विल बी वन हैविंग ग्रेटर मोलर मास इन बैलेंस इक्वेशन। इफ इक्वल मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स देन लिमिटिंग रिएजेंट विल बी वन हैविंग ग्रेटर मोलर मास इन बैलेंस इक्वेशन। अगर आपको इस तरह दिया जाए कि 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया, व्हाट विल बी लिमिटिंग इंडेक्स रिएजेंट। तो पॉइंट मैंने बता दिया कि लिमिटिंग रिएजेंट ओ होगा जिसका केमिकल इक्वेशन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोलर मास क्या हो ज्यादा हो। तो देखो N2+3H2 goes to N, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। अब स्टेटमेंट है कि 50 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया, व्हाट विल बी लिमिटिंग इंडेक्स रिएजेंट। तो देखो पॉइंट मैंने आपको आसान करके दिया है कि जिसका मोलर मास ज्यादा हो वो लिमिटिंग होगा और जिसका कम हो वो एक्सेस होगा। तो अब इक्वेशन में हमें अंदाजा है कि 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 50 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है N2 जो है इधर हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है और इस जो हमारे पास कौन सा रिएजेंट है इट इज अ एक्सेस रिएजेंट। ये हमारे पास कितनी मात्रा में एग्जिस्ट करता है, एक्सेस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं, आपको इससे भी अंदाजा हो सकता है, लेकिन ये एक शॉर्टकट पॉइंट है। इसके बाद देखिए अब हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाना था। अब जो है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को जो है अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो क्या तरीका है या जो लेंथी मेथड है वो क्या है, शॉर्टकट तो मैंने बता दिया। तो लेंथी मेथड ये है कि अगर आपको जो है रिएजेंट मास में दिया है, दो रिएजेंट है उन दोनों का जो है मास में दिया है या एक रिएजेंट मास में एक मोल में है, तो सबसे पहले क्या करें कि आप जो है उसी मास को कन्वर्ट करें मोल में। किस में कन्वर्ट करें, मोल में, बाय यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। दोनों रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों जो है आपको मास में दिया गया है, दोनों को मोल में कन्वर्ट करें। ठीक हो गया। फिर इसके बाद कंपेयर द डेटा विद बैलेंस इक्वेशन। आपने एक रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट वन, रिएक्टेंट टू दोनों को मोल में कन्वर्ट कर दिया, अब आप इसको बैलेंस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। कैसे, आप कहते हैं रिएक्टेंट वन जो है ये बैलेंस इक्वेशन में वन मोल वन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो आपको डेटा दिया गया है वो कितना प्रोड्यूस करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। फिर सेकंड, रिएक्टेंट टू बैलेंस इक्वेशन में लेट से थ्री मोल टू प्रोड्यूस कर रहा है, सो जो आपको डेटा दिया गया है उसके कितने मोल से कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, इसके बाद क्या करें, फिर उसी कंपेरिजन के बाद आपको खुद बहुत अंदाजा हो जाएगा कि रिएक्टेंट वन कितना प्रोडक्ट कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहा है और रिएक्टेंट टू कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो रिएजेंट ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी एक्सेस रिएजेंट, जो ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या होगा, एक्सेस होगा। और वो रिएजेंट जो कम मिकदार में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। सो ये एक मेथड है। अगर आप मेथड नंबर टू भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको रिएक्टेंट जो है रिएजेंट जो है आपको मोल में दी गई है तो सिंपल तरीका है आप डायरेक्ट इसको जो है कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो रिएजेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, जो ज्यादा मिकदार में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं हम एक और पॉइंट की तरफ कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट्स हो, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट हो तो उसमें भी लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि एक रिएक्टेंट मजीद किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक रिएक्टेंट मजीद उसके लिए दूसरे रिएजेंट है नहीं कि वो रिएक्ट करे। सो सिंपल जितनी भी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिस तरह मैंने लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट्स, जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाय हीटिंग से हम एक कंपाउंड को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। लेट से जिंक कार्बोनेट ZnCO3 इट इज कन्वर्ट टू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। टू पोटेशियम क्लोराइड इट इज कन्वर्ट टू KCl एंड 3O2, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलरली Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड कन्वर्ट टू 4Al+3O2। तो ऐसी रिएक्शन में ये सिंगल सिंगल रिएक्टेंट जिसमें एग्जिस्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंदर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होता। सही है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो
जब आप ये टॉपिक अपने नोटबुक में नोट करें, आप इसको समझें, तो आप एक्सरसाइज में जाए, इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड जो है एग्जाम्पल भी है चैप्टर के अंदर, और इसी के साथ जो है लिमिटिंग और एक्सीलरेशन के साथ एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी है, तो आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें अपडेट करें। थैंक यू वेरी मच।